नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 मई गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के एरोसोल 10 मीटर की दूरी तक फैल सकता है, जबकि ड्रॉपलेट्स 2 मीटर तक जाते हैं। सरकार ने गुरुवार को नई एडवाइजरी जारी करते हुए कोरोना से बचाव की गाइडलाइन बताई है। प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के ऑफिस से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आते, वे भी संक्रमण फैला सकते हैं, इसलिए लोग कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। ताऊते तूफान ने कई राज्यों के मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया है। सामान्य तौर पर जहां मई में तेज गर्मी पड़ती है, वहीं अभी 6 राज्यों में बारिश हो रही है, इससे यहां तापमान भी कम हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के कारण दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश हुई है। दिल्ली में बारिश का 120 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। बुधवार को यहां 119.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 1901 से अब तक मई में एक दिन में हुई सबसे ज़्यादा बारिश है। राजस्थान में लगातार 14 घंटे तक बारिश हुई है, तो वहीं केदारनाथ की पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी बंगाल की खाड़ी में आ रहे यास तूफान का खतरा भी कई राज्यों पर मंडरा रहा है, जो 22 से 26 मई के बीच अपना असर दिखा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी पर नियंत्रण को लेकर 10 राज्यों के 54 जिले के कलेक्टरों के साथ वर्चुअल बैठक की। उनकी बैठक में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई, लेकिन उनके राज्य का कोई भी कलेक्टर शामिल नहीं हुआ। मोदी की बैठक के बाद ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन किसी को बोलने नहीं दिया गया, ये अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में सभी मुख्यमंत्री शांत बैठे रहे, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हमें बंगाल के लिए 3 करोड़ वैक्सीन की मांग करनी थी, लेकिन बोलने ही नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। बैठक में शोक प्रस्ताव पारित किया गया। देश में निर्मित वैक्सीन विदेश भेजी तो जनता ने सरकार को खूब कोसा। वैक्सीन की ये लड़ाई अब गाँव और कस्बों तक पहुँच गई है। गाँव में रास्ते रोके जाने लगे हैं। पहचान पत्र देखकर ही लोगों को गांव में एंट्री दी जा रही है। दरअसल गांव के लोग दूसरी जगहों से आने वालों को अपने केंद्रों पर वैक्सीन नहीं लगवाने दे रहे हैं, जो ऑनलाइन स्लॉट बुक कराकर पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए गुरुवार को अलवर शहर के निकट उमरैन व ढहरा सीएससी पर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। राजस्थान में ताउते का असर कम होने के बाद गुरुवार को 2 दिन के बाद धूप खिली। पिछले 2 दिनों से लगातार बरसात हो रही है। भरतपुर व अजमेर संभाग के ही कुछ इलाकों में आज भी हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार ताउते उत्तर पश्चिम भारत की तरफ बढ़ गया है। अब 2 दिन के बाद पश्चिम राजस्थान में फिर से बरसात और आंधी का दौर शुरू होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 22 व 23 मई को बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ व गंगानगर में मेघ गर्जन व 40 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी के साथ हल्की बरसात हो सकती है। 2 दिन तक मौसम साफ रहेगा। प्रदेश में बाकी जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान में दालों की कीमतों में वृद्धि होने की आशंका को देखते हुए खाद्य विभाग ने संभावित जमाखोरी को रोकने के लिए व्यापारियों को दाल के स्टॉक की घोषणा करने का आदेश जारी कर दिया है। खाद्य सचिव नवीन जैन ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत साबुत या दली हुई दालें जैसे कि उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, मोठ, लोबिया, राजमा, चना, मटर एवं अन्य दालों को जोड़ा गया है। शासन सचिव ने बताया कि दालों के विक्रेताओं, मिल मालिकों, व्यापारियों एवं आयातकों को 20 मई तक उपलब्ध दाल के वास्तविक अंतिम स्टॉक की घोषणा 21 मई तक देनी होगी। भरतपुर क्षेत्र में सियासत का केंद्र रहे चंबल जल ने शहरों को तो करीब करीब सुकून दे दिया है, लेकिन गांव अभी भी नीर की पीट सह रहे हैं। देरी से परियोजना को भी खूब पलीता लगा है, लेकिन हर बार हिदायत से ज़्यादा कुछ नहीं हो सका है। जिले के कुम्हेर, डीग और नगर कस्बे में तो चंबल का पानी पहुंच गया है, लेकिन गांव अभी इसके लिए तरस रहे हैं। नगर के गांव में पानी आगे नहीं बढ़ने के कारण कामा और पहाड़ी की प्यास अभी भी अधूरी है। राजस्थान की 5 बिजली कंपनियों में सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लेखाधिकारी, कार्मिक अधिकारी, सूचना सहायक व कनिष्ठ लेखाकार सहित अन्य के 2370 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए नए सिरे से आवेदन लिए जाएंगे। AWS श्रेणी को आयु सीमा में छूट दिए जाने की वजह से पेंच फंस गया है। सरकार ने अब इन पदों के लिए नए सिरे से जल्द आवेदन लेने की तैयारी कर ली है। जो अभ्यर्थी पहले से आवेदन कर चुके हैं, उनको दोबारा आवेदन नहीं करना होगा। इस बार बिजली कंपनियों ने तय किया है कि इन पदों के लिए अभ्यर्थियों को राजस्थान से बाहर दूसरे राज्यों में सेंटर नहीं दिए जाएंगे।
जोधपुर में कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर में ज्ञात अज्ञात दिवंगत आत्माओं की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित होकर मोक्ष का इंतजार है। सनातन धर्म में अस्थि विसर्जन क्रिया के बाद ही अंतिम संस्कार को पूर्ण माना जाता है, लेकिन मौजूदा लॉकडाउन की स्थितियों में ये संस्कार पूरा नहीं हो पा रहा है। हिंदू मान्यता के अनुसार अस्थि कलश को घर में भी नहीं रखा जा सकता। ऐसे में जोधपुर के विभिन्न समाजों की ओर से शमशान घाटों में ही अस्थि बैंक की अस्थायी व्यवस्था शुरू की गई है। कोटा के गांव में कोरोना तबाही मचा रहा है। गांव में संक्रमण सुरसा के बेल की तरह फैलता जा रहा है। सरकार भी गांव में बढ़ते संक्रमण को लेकर चिंतित नजर आ रही है, लेकिन जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग सुस्त पड़ा है। शहर से बाहर नजर करने को तैयार नहीं है। ये तो कागजों की नाव पर सवार होकर कोरोना जैसे भयावह भवसागर को पार करना चाहते हैं। गाँव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ग्रामीणों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। कोरोना महामारी के दौरान सामने आया ब्लैक फंगस अब केंद्र के लिए बड़ी चिंता बन गया है। केंद्र ने सभी राज्यों को खत लिखकर ब्लैक फंगस के लिए अलर्ट रहने को कहा है। केंद्र ने कहा है कि सभी राज्य इसे महामारी एक्ट के तहत नोटेबल डिजीज घोषित करें, यानी राज्य को ब्लैक फंगस के केस, मौतों, इलाज और दवाओं का हिसाब रखना होगा। राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु इस ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित कर चुके हैं। दिल्ली में भी इसके मरीजों के इलाज के लिए अलग से सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। बीकानेर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामले में अब नया मोड़ आ गया है। अब एक महिला डॉक्टर ने भी दवा स्टॉकिस्ट मित्तल फार्मा के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। आरोप लगाया गया है कि उनके पति पर फर्जी बिलों पर हस्ताक्षर का दबाव बनाया जा रहा है। FIR दर्ज कराने वाली डॉक्टर कल्पना डागा हैं, जिनके पति डॉक्टर धनपत डागा ने पिछले दिनों सदर थाने में इसी मामले की पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर तनाव में आकर अपने हाथ की नसें काट ली थी। कोटगेट पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। इसी मामले में SOG ने बुधवार को 3 स्टॉकिस्ट को गिरफ्तार किया था। दौसा जिले में तावते चक्रवात का असर खत्म होने के साथ ही मौसम पूरी तरह से साफ हो गया है। हालांकि बीते दो दिनों में हुई बारिश के कारण अभी मौसम में ठंडक बनी हुई है, लेकिन आसमान से बादलों की आवाजाही हटने से मौसम सामान्य रहा। गुरुवार को अधिकतम तापमान 31 व न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में किसी मरीज को जान नहीं गंवानी पड़ेगी और ना ही उनके परिजनों को सिलेंडर के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। अस्पताल में रोजाना ऑक्सीजन की कमी और बेड नहीं मिलने की शिकायतों को देखते हुए विधायक दानिश अब्रार के प्रयासों से सामान्य चिकित्सालय में बुधवार को 11 लाख की लागत से 20 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इंस्टॉल करवाए हैं, वहीं 20 बेड और बढ़ाए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBD न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।